दोस्तों आपके हिसाब से इन 5 युवा खिलाड़ियों में से कौन सबसे अच्छा खेलने वाला है, कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस वीडियो में हम इन 5 युवा खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जो पहली बार इस आईपीएल में खेलने वाले हैं। आईपीएल एक ऐसा मंच है जहाँ युवा खिलाड़ियों को अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलता है। हर बार की तरह इस बार भी दुनिया भर की नज़र कुछ युवा खिलाड़ियों पर रहेगी। इस लीग में दुनिया के बड़े से बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, ऐसे में युवा खिलाड़ी टूर्नामेंट में खेलकर अपने टैलेंट को निखारने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस लीग में बड़े से बड़े खिलाड़ी अपना जलवा बिखेरते हैं, ऐसे में युवा खिलाड़ियों को अपनी पहचान बनाने के लिए अलग हटकर चौंकाने वाला परफॉर्मेंस करना होता है जिससे सभी की नज़र उन पर पड़े। ऐसे में जानते हैं 5 युवा खिलाड़ी जो पहली बार आईपीएल में खेलते हुए दिखेंगे और उनसे सभी को काफ़ी उम्मीदें हैं। पहले खिलाड़ी हैं ललित यादव, जो कि दिल्ली कैपिटल्स से हैं। 24 साल के ललित यादव दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। पहली बार ललित यादव आईपीएल में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। ललित निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हैं जिससे दिल्ली की टीम का बल्लेबाजी डिपार्टमेंट काफ़ी मजबूत बन पड़ा है। ललित यादव ने अब तक 35 T20 मैच खेले हैं और इस दौरान 149.33 की स्ट्राइक रेट के साथ 560 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में ललित ने 27 विकेट लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह युवा खिलाड़ी शानदार खोज है। दूसरा खिलाड़ी है शाहरुख खान। पंजाब किंग्स ने शाहरुख खान को अपनी टीम में खरीद कर शामिल किया है। घरेलू क्रिकेट में शाहरुख ने अपने परफॉर्मेंस से साबित किया है, अब आईपीएल में खुद को साबित करना है। पंजाब किंग्स ने 5.25 करोड़ में शाहरुख को खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है। शाहरुख विकेट कीपिंग तो करते ही हैं लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। तमिलनाडु के इस ऑलराउंडर ने 2020 के मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल का परफॉर्मेंस किया था। शाहरुख ने सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में 4 मैचों में 220 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाल मचा दिया था। यही कारण रहा कि आईपीएल ऑक्शन में शाहरुख को 5 करोड़ से ज़्यादा पैसे दिए गए। तीसरा खिलाड़ी है रेले मेरेडिथ, जो कि पंजाब किंग्स के हैं। आईपीएल 2021 के ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज रिले मेरेडिथ को पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ रुपए में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के इस तेज गेंदबाज को खरीदने के लिए सीएसके ने भी जोर लगाया था लेकिन आखिरी में पंजाब किंग्स ने बाजी मारी थी। मेरेडिथ ने अब तक 34 T20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 43 विकेट चटकाए हैं। साल 2017 में रिले मेरेडिथ ने बिग बैश लीग में डेब्यू किया था। चौथे खिलाड़ी हैं वैभव अरोड़ा। केकेआर ने युवा तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा को खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है। घरेलू क्रिकेट में हिमाचल प्रदेश की ओर से खेलने वाले वैभव काफ़ी घातक गेंदबाज हैं। अपने डेब्यू रणजी ट्रॉफी मैच में वैभव ने सौराष्ट्र की ओर से खेल रहे पुजारा को क्लीन बोल्ड किया था। पुजारा का मिडिल स्टंप वैभव ने उखाड़ दिया था। उसके बाद से वैभव को लेकर क्रिकेट जगत में चर्चा होने लगी थी। वैभव ने हाल ही में अपने डेब्यू डोमेस्टिक वनडे मैच में हैट्रिक लगाने का कमाल भी कर दिखाया था। पांचवें खिलाड़ी हैं फिन एलन। फिन एलन आईपीएल 2021 में आरसीबी की ओर से खेलते हुए नजर आने वाले हैं। फिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले के दौरान गेंदबाज इस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने से कतराते हैं। एलन ने अपने करियर में अब तक 15 T20 मैच खेले हैं लेकिन अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी को चकित करने में सफल रहे हैं। फिन एलन न्यूजीलैंड की ओर से खेलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 में एक ऐसा छक्का जमाया जिसने फैंस का दिल जीत लिया था। तो दोस्तों ये थे 5 खिलाड़ी जो कि पहली बार आईपीएल में खेलने वाले हैं। आपको कौन सा खिलाड़ी पसंद है, किस खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीद है, कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।